उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लोकेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की बदहालता को लेकर के अब सेवा का संकल्प ले चुके हैं और वो लगातार सेवा में जुट चुके हैं। इसी सब चीज़ को लेकर के खास बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुज ने खास बातचीत की। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह तोमर है जी। आप कौन कौन सी संस्थाएं चला रहे हैं इस समय? हम आल यूपी एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम प्रदेश सचिव हैं। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह तोमर है जी। और हम पूरे प्रदेश के अंदर सबसे पहले नंबर में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग पूरी एम्बुलेंस संचालन कर रहे हैं एक दूसरे का, जिसमें प्राइवेट एम्बुलेंस सभी आती है और कई भी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। तो ऑल इंडिया में हम लोग उसका पूरा अभियान चला रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर भी चल रहा है हमारा। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे जैसे बरेली की एम्बुलेंस है और लखनऊ में या कहीं रास्ते में कहीं ख़राब हो रही है, तो हम वहाँ भी जैसे हरदोई में या शाहजहाँपुर या पीलीभीत या किसी भी क्षेत्र में बीच में हमारी एसोसिएशन बनी हुई, वहाँ के वो लोग लोकल आके उसकी सपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन या गाड़ी या जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है उसकी सपोर्ट करते हैं और दूसरी एम्बुलेंस वहाँ से आराम से लाते हैं ताकि मरीज़ की जान बच सके और मरीज़ को परेशान ना होना पड़े और जो एम्बुलेंस चालक हैं उनको भी दिक्कत ना हो, परेशानी उनके में केस मुकदमे लड़ाई झगड़ा होता था, आए दिन ड्राइवर पिटता था। तो ये सब समस्याओं से निजात के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चला, हम लोग योजना बना रहे हैं ताकि पूरे में हर जगह ये काम चले। दूसरी चीज़ ये है कि आप सेवा सोसाइटी भी चला रहे हैं, तोमर हेल्पलाइन सेवा सोसाइटी। जी 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 हाँ, इसके माध्यम से हम सेवा जो तोमर हेल्पलाइन सेवा सोसाइटी है एंड होम हेल्थ केयर सेंटर खोला हमने। इसमें हम जो घर पे हमारे बुजुर्ग परिवार होते हैं, जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, कुछ सेवा नहीं कर पाते, उसके लिए हमने अपने हेल्थ केयर सेंटर खोला है। उसमें हम अपना स्टाफ अरेंज कराएंगे, वहाँ सेवा कराएंगे, उनको ओपीडी अप डाउन कराना है, पूरा घर तक भेजना है, घर से ले जाना, फिर ओपीडी कराना बुजुर्ग के लिए, स्ट्रेचर व्हीलचेयर या एम्बुलेंस वगैरह सारा सब अरेंज कराना है। ये इसमें सारा काम चलेगा। बीच बीच में हम लोग कैंप भी लगाएंगे ये किसी डॉक्टर के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा, ताकि इसमें हम सभी का इसमें इलाज कर सकें, दिखवा सकें। ये सोसाइटी की तरफ से हमारा प्रावधान होगा, बाकी लोग जुड़ेंगे जो सहयोग करेंगे उसके लिए सबके लिए आमंत्रित हैं सभी लोग। अच्छा।